विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पूर्व विधायक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सैकड़ों समर्थकों ने थामा कांग्रेस का दामन, भाजपाइयों में भारी दहशत। बता दें, राजनीतिक पार्टियों के लिए साल 2023 बेहद ही अहम है, क्योंकि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती है, नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि एक साथ कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सागर, निवाड़ी, दतिया, सतना और शिवपुरी के नेता बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू बीजेपी पूर्व विधायक के भाई हैं। जितेंद्र जैन निवाड़ी के जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव और राहतगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष नीरज शर्मा सैकड़ों समर्थकों के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता ली है। साथ ही रेगांव से बीजेपी के पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी बेटे और बहू देवराज बागरी और वंदना बागरी भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा दतिया के भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू तांगी कांग्रेस में शामिल होंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि चुनाव से पहले लगातार भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।